छोड़ी बे कलाई कोई यूं थामो न जावे छोड़ी बे न जावे छोड़ी बे। नमस्कार, आनलाइन टीवी देख रहे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास शो लोहड़ी स्पेशल में। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी जो मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है और लोहड़ी में विवाहित बेटियों के घर कपड़े, मिठाई और रेवड़ी भेजने का रिवाज सदियों पुराना है और इसी रिवाज को कुछ अलग अंदाज में आज हम स्टूडियो में मनाने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी है, उससे आपकी मुलाकात भी करवा आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि मकर संक्रांति क्यों और लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। दरअसल मकर रेखा पर सूर्य के आने पर एक दिन पहले मौसम भी नई अंगड़ाई लेने लगता है और ऐसे में आता है उत्सव और उमंग से भरपूर लोहड़ी का ये खास त्यौहार। घर में आए नन्हे मेहमान का स्वागत भी लोहड़ी मनाकर ही किया जाता है। जिन परिवारों में नई बहू आती है उनके घर भी लोहड़ी के गीत गूंजने लगते हैं और इसी के साथ 15 दिन पहले से ही गाँव गली नुक्कड़ चौराहों पर लकड़ी और उपले खट्टे किए जाने लगते हैं और फिर लोहड़ी की शाम और ढोलक की थाप पर थिरकने लगते हैं लोहड़ी के ये गीत। तो त्योहार खास है, स्टूडियो में मेहमान भी खास है, तो चलिए आप सभी को मिलवाते हैं आज हम अपने खास मेहमान से जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वॉइस ऑफ दिल्ली गौरव कुमार और उसी के साथ गौरव की पूरी टीम ऋषि आदि और अभी आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद है। तो सबसे पहले गौरव एंड आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। तो भाई आप है और आपके साथ आपकी टीम है तो ऐसे तो आपको नहीं जाने देंगे, तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को कैसे शुभकामना देंगे? देखिए, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की साइड से आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां और ये पहला सॉन्ग स्पेशली लोहड़ी के लिए और आप लोगों के लिए मैं गाना चाहता हूँ। लो आ गई लोहड़ी वे, बना लो जोड़ी वे, कलाई कोई थामो न जावे जोड़ी वे। लो आ गई लोहड़ी वे, बना लो जोड़ी वे, कलाई कोई थामो न जावे जोड़ी वे। झूठ ना बोली वे, कुफर ना डोली वे, जो तूने खाई थी कसमे एक एक थोड़ी वे। लो आ गई लोहड़ी वे, लो आ गई लोहड़ी वे, लो आ गई लोहड़ी वे, लो आ गई लोहड़ी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लोहड़ी नो डाउट इसमें बस झूमने का मन करता है, डांस करने का मन करता है, आपका भी मन कर रहा होगा, पर गाने को आप कितना एंजॉय करते हैं और खास करके मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब लोहड़ी का फेस्टिवल आता है तो यू आर ए वेरी गुड सिंगर, तो कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिमाग में आता है? देखिए, बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत प्यारा सॉन्ग है। सावन में लग गई आंख दिल मेरा, सावन में लग गई आंख दिल मेरा, ओ कबीर हसीना पागल दीवाने, निर्भर हसीना पागल दीवाने, आज न सोया सारी रात दिल मेरा। शुरुआत है और शुरुआत में मुझे इतना मजा आ रहा है, वैसे अभी आपका साथ काफी लंबा है, पर सबसे पहले दर्शकों आपको बता दें कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की खास वजह क्या है, क्या परंपरा है, क्या रीति रिवाज है, उस पे देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि ये लोहड़ी का जो पर्व है क्यों खास है और किस तरीके से पूरे देश भर में इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लो आ गई लोहड़ी वे, बना लो जोड़ी वे, कलाई कोई यूं थामो न जावे छोड़ी वे, न जावे छोड़ी वे। हर राज्य के अपने अलग अलग त्योहार हैं, पंजाब का बैसाखी हो या लोहड़ी,
इन त्योहारों की अपनी एक अलग ही पहचान है। शरद ऋतु और बसंत ऋतु के संधिकाल के बीच में आती है लोहड़ी। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है। हर साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में मनाई जाने वाली लोहड़ी से कई कहानियां जुड़ी है, लेकिन जो कहानी सबसे अधिक सुनी जाती है वो है दुल्हा भट्टी की कहानी। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले दुल्हा भट्टी नाम का एक डाकू हुआ करता था, जो गरीबों की मदद करता था। गरीब लड़कियों की शादी में वो उन्हें आर्थिक मदद भी देता था। सुंदरी और मुंदरी नाम की ऐसी ही दो लड़कियों की शादी दुल्हा भट्टी ने जंगल में आग लगवा कर करवाई थी। इस परोपकारी काम से दुल्हा भट्टी पूरे पंजाब में मशहूर हो गया। कहते हैं दूल्हे ने शगुन के रूप में उनको शक्कर दी थी। इसी कथा से जुड़ा हुआ है ये गीत, जो कि लोहड़ी के दिन गाया जाता है। आज भी लोहड़ी के दिन दुल्हा भट्टी को याद कर लोग लोहड़ी गाते हैं। लोहड़ी की रात हर गली हर मोहल्ले में लोग आग जलाकर तिल रेवड़ी और मक्के की दानों से इसकी पूजा करते हैं और फिर जमकर नाच गाना करते हैं। लोहड़ी का त्योहार मनाओ रल मिल के, आज सारे नचो हसो गाओ रल मिल के। लोहड़ी किसानों का भी त्योहार है। ये त्योहार ऐसे समय में मनाया जाता है जब खेतों में नई फसल की बुआई हो चुकी होती है और फसलें कटने में अभी कुछ समय होता है, और ये समय किसानों के लिए फुर्सत का समय माना जाता है। कड़ाके की ठंड भी कुछ कम हो रही होती है, ऐसे में आग जलाकर ये त्योहार मनाना सभी के लिए खास हो जाता है। विवाहित जोड़े लोहड़ी के पवित्र अग्नि में तिल गुड़ और मक्के के दाने डालकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। वही नवजात बच्चों को सभी बड़े आशीर्वाद देते हैं। समय के साथ लोहड़ी मनाने के तौर तरीके में कुछ बदलाव जरूर आए हो, लेकिन लोगों के जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। भाई सच में लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है जहाँ झूमने नाचने का मन करता है, और आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर रियाज चल रहा है, इसलिए कि आप तक लोहड़ी की शुभकामनाएं पहुँचा रही है, वो भी सुरीले अंदाज में। आपने देखा कि लोहड़ी मनाने के पीछे की कहानी क्या है, लेकिन हमारे साथ यहाँ वॉइस ऑफ दिल्ली के गौरव भी हमारे साथ मौजूद है और इस खास मौके पर आपको बेहतरीन बेहतरीन गाने सुनाएंगे। तो गौरव, आपको रोकना चाहूंगी, और इस लोहड़ी का त्यौहार है, आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इवन पूरे भारतवर्ष में लोहड़ी को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, पर लोहड़ी के फेस्टिवल में पंजाबी तड़का ना हो तो भाई बिल्कुल, तो एक और डांस नंबर हो जाए। दिल चोरी साडा हो गया होए की करिए, दिल चोरी साडा हो गया होए की करिए, नैनों में किसी के खो गया होए की करिए, ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया होए की करिए, दिल चोरी साडा हो गया होए की करिए, नैनों में किसी के खो गया होए की करिए। वाह कहीं पंजाबी गाने का एक अपना अलग ही मजा है, तो कुछ और हो जाए। दिल
तारे गिन गिन याच तेरी मैं ता जागा राता नू रोक न पावा अखिया विच गम दिया बरसाता नू हो 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 इश्क तेरा तड़पावे हो 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 इश्क तेरा तड़पावे हो 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 इश्क तेरा तड़पावे चला के रोशन किता मैं फिर तेरी अरावानू डुब लै के मैं गलिया तेरे वल खुशी गलिए चावानू समझ न पाए क्यों तू मेरे प्यार भरे जज्बातानू रोक न पावा अखियां विच गम दिया बरसातानू ओ हो 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 ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे ओ हो 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 वाह वाह क्या बात है भाई गौरव लोहड़ी का फेस्टिवल है और इस खास मौके पर आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए जैसे सभी करते हैं नॉर्मली हम लोग भी शाम को अपने पूरे परिवार के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ जैसे लोग इसके अंदर क्या होता है एक चक्ता स्केलता है तो ये जो माता होती है बेसिकली जो लोहड़ी की जो देवी होती है इनका नाम होता है चक्ताक तो इनकी हमें पूजा करनी होती है जिसके अंदर हम लोगों को आप लोग जानते हैं कि जैसे लोहड़ी पे सब कुछ हम चढ़ावा करते हैं जो हम अग्नि में डालते हैं तो इससे भी एक रिलेटेड बहुत अच्छी कहानी है। थोड़ी लंबी स्टोरी है किसी दिन फुर्सत में ज़रूर बताएंगे आपको वो स्टोरी हमने अपने दर्शकों को पहले ही बता दी पर आपसे सुनना चाहते हैं कि आप कैसे इन्जॉय करते हैं। देखिए मैं अपने परिवार के साथ भी अपना ढोल नगाड़ों के साथ डांस करके और साथ में अपने गाने गा के बिल्कुल ढोल नगाड़ों पे कोई भी बीट बजता है तो नो डाउट झूमने को मजबूर करता है। तो अब नेक्स्ट क्या सुनाना चाहेंगे? ओके अभी नेक्स्ट सॉन्ग एक तू हो गई वन टू टू ओ कुड़िये वन टू टू तू हो गई मुंडे दी अंग्रेजी पढ़ती तू कर दी जीवे कोई नी विक्टोरिया तू कहती बिग बैडी पूरा दिल्ली चमकदा तू नचे बैठ दी पूरा लंदन चमकदा तू जदों नचे बैठ दी पूरा लंदन चमकदा तू जदों नचे बैठ दी पूरा लंदन चमकदा। वाह 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 मजा आ गया। खैर कभी भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो नो डाउट झूमने नाचने के बाद जो फेस्टिवल का मजा है ना वो दुगना हो जाता है बढ़ जाता है। पर गौरव जब हम लोहड़ी की बात कर रहे हैं लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं आपने देखा होगा जब आग जला के घर की सारी फीमेल्स या लेडीज या पूरी फैमिली गोल गोल चक्कर काटते घूमते हैं तो उसमें एक अलग ही रौनक दिखती है। जो किसी को जानते भी नहीं होंगे उनसे भी मिलते हैं और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में कोई बढ़िया सा कोई गाना हो जाए पंजाबी तड़के के साथ। देखिए एक बहुत फेमस सॉन्ग है शर्मा के वो यूं सिमट गई शर्मा के वो यूं सिमट गई ब्रज यमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाओ में मैं बिस्तर डाल के सो गया जब जागा मैं भागा अमृतसर कब जाने लाहौर आया मैं उसे दिल छोड़ आया छोड़ आया मैं उसे दिल छोड़ आया। प्यार भरा गाना नो डाउट और कोई भी फेस्टिवल हो उसको प्यार के साथ सेलिब्रेट करने का एक अपना अलग ही मजा है क्योंकि कहते हैं कि प्यार बिना फेस्टिवल भी अधूरा होता है तो कोई बढ़िया सा रोमांटिक सा सॉन्ग चाहिए। ओ दिल चोरी साडा हो गया होए की करिए दिल चोरी साडा हो गया होए की करिए पैरों में किसी के खो गया होए की करिए ओ मैडम
नशे बदली हो गया की करिए की करिए चोरी साडा हो गया कोई की करिए नैनों में किसी के खो गया कोई की करिए गौरव आपसे एक आपको रोकना चाहूंगी और कुछ पूछना चाहूंगी. आप हर बीट का गाना गाते हैं चाहे वो सैड हो रोमांटिक हो भांगड़ा हो, पर आपको किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है? मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है मतलब लव सॉन्ग्स में, सॉफ्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स में. ओके तो एक हो जाए. बिल्कुल. तो ये किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी मगर तब ना जाने ये बरसात होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला जरा तस्वीर दे तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा. सो रोमांटिक. खैर आपके साथ आपकी टीम भी मौजूद है, आप इनके बारे में कुछ बताइए. बिल्कुल. ये है ऋषि, ये अभी सॉरी आदि, और ये अभी ये मेरा मेरा भांजा है. okay. और ये भी बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, इवन गाता भी है, बट ये थोड़ा सा गाने में शर्माने ज्यादा. okay, okay. और वैसे भी आप साथ में बैठे तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है. खैर ऋषि ये गिटारिस्ट हैं बहुत. okay. अच्छे और काफी अच्छा नाम कमाया. मोस्टली आए दिन इन लोगों के भी लाइव होते रहते. okay. मेरे साथ. और ये मेरे बैंड का ड्रमर है बेसिकली. आज ये ढोल पे है क्योंकि आज लोहड़ी का सेलिब्रेशन था, तो मैंने कहा कुछ पंजाबी तड़के के लिए ढोल का होना बहुत जरूरी. बिल्कुल. आपने कहा कि ढोल का होना वो भी लोहड़ी के टाइम पे बहुत जरूरी है, तो एक ढोल के साथ एक अच्छा सा कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी दर्शक है, वो झूमने को मजबूर हो जाए. मतलब ये जो ढोल की बीट है ना, जो डांस नहीं भी करना चाह रहा एग्जैक्टली सुन के डांस. मैं तो खैर बैठी हूँ, उठ नहीं सकती. खैर मैं फ्री होती तो मैं भी डांस कर रही होती. आपसे जानना चाहेंगे कि नो डाउट लोहड़ी है और लोहड़ी पंजाब में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. यू आर ए वेरी गुड पंजाबी सिंगर, मैंने ऐसा सुना है. पंजाबी बीट को बहुत अच्छे से पकड़ के. मेरी एक्चुअली सच में पंजाबी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट लेकिन आप गाना बहुत अच्छा गाते हो. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. तो एक पंजाबी में एक मस्त सा भंगड़ा सुनना चाहूंगी. लुट गया मैं सोनी तेरे प्यार में, मर न देई मैनू इंतजार में. अखियां में दो से चार करके हट गया दिल के कारोबार में. ओ तेरा इकरार सुन के कि दिल कर चूचे चूचे चे, दिल कर चूचे चूचे चे. नो डाउट बहुत मजा आ रहा है. आपने भी एक बात कही कि मैं पंजाबी नहीं हूं, पर मैं पंजाबी गाता बहुत अच्छा हूं. खैर वो आपको कहने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं, पर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? कई सॉन्ग्स ऐसे हैं जो नहीं समझ आते, मगर हाँ जब हम सुनते हैं बेसिकली क्या है कि जब तक हमें सॉन्ग के जो वर्डिंग्स होते हैं उनका मतलब नहीं पता, तो हम उनको जज्बात नहीं दे पाते. और गाना तभी तक जायज़ माना जाता है जब उसको आप समझ के गए. क्योंकि देखिए रटे रटाए पे गाने पे क्या है कि हाँ वर्डिंग्स क्या है और वो फील नहीं दे पा रहे हम, तब तक मज़ा नहीं आता. exactly. तो पंजाबी को मेरा एक्चुअली क्या है, मेरे ऐसे बहुत सारे सर्कल में लोग हैं जो मुझे उसका मतलब बताते हैं, तब जाके मैं उसको अच्छे से निभा पाता हूँ. अदरवाइज okay. मैं क्या गा रहा हूँ मुझे नहीं पता चलता कि वो वर्डिंग्स का मतलब क्या है बेसिकली. अभी जैसे मैं अभी आ ही रहा था तो मुझे किसी ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि ये जो खत का मतलब है इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा आई थिंक खत क्या होता है, पता है ना?
तो हम लोगों की लैंग्वेज में खत को लेटर कहते हैं, मगर पंजाबी में खत का मतलब होता है ठुमका मारना। तो मैंने पहली बार ये वर्ड का मतलब समझा, क्योंकि तो उसके बाद में उसको निभा पाया। तो हाँ, मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, मैं इसको किस तरह से गाऊं और किस तरह से निभाऊं। तो ज्यादा मजा तब आता है जब हमें उस गाने का मतलब पता हो, तब मैं अच्छे से गा पाता हूँ। एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो बहुत ज्यादा फेवरेट हो पंजाबी में, वो सुनना चाहिए? देखिये, मेरी एल्बम का सॉन्ग है, मैं अपना एक सॉन्ग सुनाता हूँ। ये सॉन्ग खुद लिखा है मैंने और ये भी पंजाबी है। सुनिए, तू ही जिंद तू ही जान वे, मेरे लई तू है सारा ये जहान वे, मेरे दिल ते दुआवा विच ना तेरा, जिवें अखा विच बसदा है खुदा मेरा, तेरे बिन मैं भी जीना पाऊंगा, सुनिए मैं भी जीना पाऊंगा, सोनिया माहिया तेरे बिन मैं भी जीना पाऊंगा, सोनिए मैं भी जीना पाऊंगा। आपने एल्बम भी खुद का बनाया, मैंने सुना है आपके काफी सारे गाने, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप R9 टीवी के स्टूडियो से हमारे व्यूवर्स को अपने एल्बम का कोई बढ़िया सा गाना सुनाएं। बिल्कुल, एक सॉन्ग है, ये भी पंजाबी सॉन्ग है। प्यार हो गया किसी से यार, हमें प्यार हो गया, बातों बातों में बता दिया, दिल मेरा तूने चुरा लिया, आज शाम को ही ये गाना हम रिलीज करने वाले हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। आप लोगों को अगर सुनना है तो डेफिनेटली मैं लिंक शेयर करूंगा। गौरव कुमार वॉइस ऑफ दिल्ली मेरे पेज का नाम है, तो आप लोग जाके उस पे देख सकते हैं जल्दी से। खैर, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ और आप लॉन्च करने वाले हो अभी? बिल्कुल, देखिए अभी हम लोग की एक नई एल्बम आ रही है एहसास। उसके अंदर सारे सॉन्ग्स लाइक श्री भाई के साथ हम लोग एल्बम निकाल रहे हैं, श्री संत भाई के साथ। तो उन्होंने ये सारे सॉन्ग्स लिखे हैं और हमने उसमें म्यूजिक दिया और इवन गाया श्री भाई ने भी और मैंने भी। ओके, आप काफ़ी टाइम से सिंगिंग के करियर में हैं, काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, पर आपका कोई एक ऐसा फेवरेट गाना जिसने आपकी किस्मत बदल दी और आप उस गाने ने आपको वॉइस ऑफ दिल्ली बना दिया? देखिए, थोड़ा सॉफ्ट सॉन्ग है। ओके, बट मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जाने तू कहाँ है, हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, जुदा है जमीन से पलट के, सारे आसमान देखे, मिल जा कहीं वो, मेरी अखियों से सुना है, मेरी अखियों से कहती है नींदे और नींदों में सपने, कभी तो किनारे से अगर मेरे सपने से आ जा जमीन पे और मिल जा कहीं, ब्यूटीफुल, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। गौरव, लोहड़ी का फेस्टिवल है, पंजाबी भंगड़ा हो जाए ब्रेक के बाद, एक बार जोश भरा फिर से कुछ अच्छा सा नया अंदाज सुनना चाहेंगे। तेरे बिन सब सुनिया कोई हो नहीं यो लगना, जो देवे रूह नु सकूं चुके जो नखरा मेरा,
में तारे घूम के रखिया अमरीका रूस मलेशिया हर किसे भी कोई फर्क सी हर किसे दी कोई शर्त सी कोई मंगता मेरा सी समा कोई होंदा सूरत ते पिता कोई मंगता मेरी सी बहा कोई मंगता मेरी या भला मेरे बिन और ना किसे करनी तोप विच जा तेरे बिन सानू सोने कोई हो नहीं हो लबना। कहते हैं गौरव कि झूमने नाचने के लिए बस एक बहाना चाहिए होता है राइट। और लोहड़ी फेस्टिवल और ऐसे खास फेस्टिवल में तो लोग अपना जो भी पूजा पाठ होता है वो कर लेते हैं उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेशन का एक बढ़िया सा गाना मैं आपसे सुनना चाहूंगी। बिल्कुल, एक सॉन्ग, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। ओके, दैट्स ग्रेट। आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है की फेस्टिवल इतना खास और इतना इम्पोर्टेंट होता है कि घर पे सेलिब्रेशन का माहौल तो होता ही है और खास करके जिनकी शादी हुई रहती है या घर में किसी भी बेबी का जन्म हुआ रहता है तो लोग इस फेस्टिवल को और ही अलग अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे कोई एक बढ़िया सा गाना सुनना चाहूंगी। इससे रिलेटेड देखिए, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो या फिर किसी भी एज का हो, एक प्यार नाम की चीज उसकी जिंदगी से जरूर जुड़ी होती है। तो ये सॉन्ग हो दिल बालो दिल मेरा सुनने को बेकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है चाहत से हम तुम है चाहत से शमशार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है। बिल्कुल प्यार है आपके गाने से, प्यार है आपकी आवाज से, प्यार है नो डाउट। मैं कैसे तारीफ करूं, मैं नहीं कर सकती। खैर, हमारे जो व्यूवर्स है वो भी नो डाउट बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। प्यार की जो आपने जिक्र की, मैं तब से आपको सुन रही हूँ, आप सारे ही गाने मतलब नो डाउट बहुत अच्छा गाते हैं, पर जो रोमांटिक और प्यार भरा सॉन्ग है ना उसमें आपका एक अलग ही फ्लेवर देखने को मिलता है। तो आप इसको किस मतलब लाइक कैसे एंजॉय करते हैं? सैड सॉन्ग को भी आप ऐसे इतने अलग तरीके से एंजॉय कर लेते हैं, लव सॉन्ग की तो भाई बात ही अलग है। मैंने आपसे रोमांटिक भी सुनी, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, हर गाने का एक जोनर होता है। एग्जैक्टली, हाँ, मेरा जो है वो मैंने आपको बताया सॉफ्ट बॉलीवुड लव सॉन्ग। तो ऐसा नहीं है कि मैं सैड सॉन्ग गाते टाइम सैड हो जाता हूँ या फिर लव सॉन्ग गाते टाइम सोचता हूँ कि कोई लड़की मिल जाए लव करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये एक जज्बात होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी पहले थोड़ी देर पहले भी कहा था, तो हमें उसे निभाना आना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि वो हम अच्छे से उसको भरकू भी निभाएं और वो हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है, उसके लिए मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कैसे गा सकते हैं और कैसे गाया जाता है। खैर, आप कितना ज़्यादा टाइम देते हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं? प्रैक्टिस को देखिए, मेरा म्यूजिक स्कूल है तो मेरा मानना है कि मैं सुबह से शाम तक क्लासेस देता हूँ। तो हाँ, अगर मैं किसी को टीच कर रहा हूँ तो मेरी और ज़्यादा नॉलेज बढ़ रही है। और उसके अलावा मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं गिटार लेके शुरू हो जाता हूँ। तो मैं बस एक बार फिर से शुरू हो जाइए और कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल, अच्छा ये सॉन्ग। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराया सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल आ जाना सनम। भूल लिया दिल है मेरा दिल, आज दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल बाकियों का तो पता नहीं, मुझे अपना पता है कि नो डाउट आपने दिल तो चुरा ही लिया, और साथ में जो ये आपकी टीम है ना, नो डाउट सुपर्ब कहते हैं ना, मतलब इसके वजह से, इनकी बीट की वजह से ना गाने में ना जाना जा रही है। बिल्कुल, आपकी टीम के साथ आपका एक्सपीरियंस और बॉन्डिंग कैसा है वो जानना चाहेंगे। देखिए ये जो मेरी टीम है, इनके अलावा मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत अच्छे से इन लोगों ने बहुत कम टाइम में मेरे से सीखा, और हाँ मैं ये मानता हूँ कि इनकी मेहनत और भी ज्यादा रंग लाएगी अगर इसी तरह आगे चलते रहे तो। जी तो कैसा मतलब कितना टाइम आप इनके साथ कितना टाइम बिताते हैं? इनके साथ देखिए पूरा दिन बीत जाता है, और कब बैठते हैं और कब उठते हैं ये भी नहीं पता चलता कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया है। तो मेरे साथ इनका टाइम जो बीतता है वो ऐसे ही बीतता है कि बस अभी बैठे हैं और अभी शाम हो गई। होगा जब आप साथ में बैठते हैं तो उस गाने को बहुत एंजॉय करते हुए गाते हैं। देखिए ये सॉन्ग एवर ग्रीन सॉन्ग, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको वो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मिले ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार, हे मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिल रुबा, पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल गुलाबी आंखें पसंद आ गई है क्या? आज तक सच में नहीं देखी मैंने गुलाबी आंखें, बस ये सॉन्ग बहुत पसंद है। हाँ लाल आंखें जरूर देखते हैं जब कोई गुस्सा होता है, मगर गुलाबी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा कहा जाता है गौरव कि जो एक सिंगर होता है ना वो फीलिंग्स को और सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है किसी के भी सामने, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, और खास करके लड़की यानी कि गर्लफ्रेंड यदि उसकी हो तो आपने अपनी फीलिंग्स को कभी भी किसी के सामने गानों के जरिए एक्सप्रेस किया है क्या? झूठ नहीं, हाँ मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, हाँ किया है ये सॉन्ग, और किया है। अच्छा जो सॉन्ग मैंने उसके लिए गाया था वही मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। तो किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी, है मेरी जिंदगी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे पाना, जाने जाना ढूंढी तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना, जाने जाना ढूंढी तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना, सनम भी सुन रही होगी तो कह रही होगी दोबारा से प्रपोज कर, वो भी सुन रही होगी, साथ में हमारे जितने भी व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे वो भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। खैर गौरव, पंजाबी गीत हमने शुरू में भी बात की, और वैसे भी लोहड़ी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोहड़ी सेलिब्रेशन में मतलब खास करके पंजाब में जो लोहड़ी होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और आप बैठे हैं, आपकी टीम है, तो एक अच्छा समय भांगड़ा आपसे सुनना चाहूंगी। दिया धोके पाइए झांझरा लौंग मरे लिशकारे, दिया धोके पाइए झांझरा लौंग मरे लिशकारे, कंगना दे रानी तन कर की सारे, कंगना दे रानी तन कर की सारे, कंगने दे विच लगे सत रग नंगे नी, कल्ले कल्ले आशका तो दिल उते मगेरी,
ਮੰਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਸੱਤ ਰੱਖ ਲੱਗਣੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਗਣੇ ਨੂੰ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖ ਮੁਟਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਗਣੇ ਨੂੰ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖ ਮੁਟਿਆਰੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਗੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਗੀ ਇਸ਼ਾਰੇ Wow, that's great. Gaurav, Lohri celebrate कर रहे हैं, खास करके Lohri का जो celebration होता है इसमें किसानों के लिए भी बहुत good news लेके आता है ये festival. आप देखते होंगे लोग बहुत relax करके अपने family के साथ, friend के साथ celebrate करते हैं. कहते हैं नए युग की शुरुआत होती है, यानी कि उनके life में बहुत brightness, बहुत ही happiness आती है. तो ऐसे में वो आ गई Lohri रे. ये गाना एक ऐसा है जो हर गली मोहल्ले या यूं कहे हर पंजाबी फैमिली के घर में ये सुनने को मिलता है. तो ये गाना आपने शुरू में भी सुनाया, मैं चाहती हूँ ये गाना एक बार और हो जाए. लो आ गई Lohri वे बना लो जोड़ी वे कलाई कोई यूं थामो न जाए जोड़ी वे. लो आ गई Lohri वे बना लो जोड़ी वे कलाई कोई यूं थामो न जाए जोड़ी वे. झूठ ना बोली वे कुफर ना टोली वे तूने खाई थी कसमें एक एक थोड़ी वे एक एक थोड़ी वे एक एक थोड़ी वे. बिल्कुल आ गई है लख लख बधाइयां भैया Lohri है. और ऐसे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं कि मेरी और मेरी पूरी टीम की साइड से आप सभी को और R9 चैनल की तरफ से आप सभी को Lohri की लख लख बधाइयां और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और भगवान आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए. बिल्कुल, लेकिन सेलिब्रेशन का माहौल है तो आपके गाने के बिना सेलिब्रेशन अधूरा सा है. R9 टीवी में आप मौजूद है, आप स्टूडियो में है, तो एक सेलिब्रेशन का गीत हो जाए. ओ राजा नैया छड्डो यारी चंगी नैया इश्क दे मार. राजा नैया छड्डो यारी चंगी नैया इश्क दे मार. कृष्णा कुछ भी पड़दी बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले. आह चिकनक 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 आह चिकनक 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 आह चिकनक 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 आह चिकनक चिकनक. Wow, that's great. क्या गौरव, आपसे मैं जिक्र कर रही थी कि मैंने आपके काफी सारे गाने सुने हैं, आपको मैं फॉलो भी करती हूँ, पर एक चीज जो आपकी गीत में सुनना चाहती हूँ, मैं तब से वेट कर रही हूँ, आपने गाया नहीं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मैं यमल्ला पगला दीवाना एक बार हो जाए प्लीज. मैं जट यमला पगला दीवाना हूँ रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है हटे उत्ते वो मरती है के ओ मैनू प्यार करती है हटे उत्ते वो मरती है. मैं जट यमला पगला दीवाना ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना है. ना जाने कितनी लड़कियां फिदा होंगी, ना जाने कितनी लड़कियां मरती होंगी घर में. क्या बोलूं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं बिल्कुल नहीं, अब आपको बोलना ही पड़ेगा. नहीं मैं ये कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई मरे मेरी वजह से, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग मुझे ऐसी प्यार करें, ऐसी सपोर्ट बना रहे और आप लोगों की दुआएं ही मुझे आगे और लेके जाए. जी बिल्कुल गौरव, आप काफी टाइम से हैं इस फील्ड में, काफी एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा. जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आज आप हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहते हो? बिल्कुल, एक शुरू में घबराहट होती थी और लेकिन एक मन में था कि हाँ मैं भी स्टेज शोज करूँ तो मेरे आगे बहुत सारे लोग हो. तो जब शुरू में जाते थे तब काउंटिंग्स बहुत कम थी, लेकिन फिर भी घबराहट बहुत ज़्यादा थी. आज क्या होता है कि जब मेरे डैड ने हमेशा एक चीज़ सिखाई कि बचपन से ही मुझे वो हर शोज़ में दिखाने ले जाते थे कि कैसे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं उन्हें सीखेंगे नहीं. तो बचपन में मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को अपने सामने गाते देखा, डांस करते हुए देखा. तो हाँ, उनके अंदर एक ही चीज़ नोटिस करता था कि उनके अंदर जो एक जज्बा होता था ना किसी के आगे प्रूव करने का खुद को, वो होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है. और मैं मानता हूँ आर्टिस्ट तभी सक्सेसफुल है जब वो अपने मन के डर को
निकाल के फेंक दे कि हाँ मुझे नहीं चाहिए डर। That's great, पीछे से भी आवाज आ रही है निकाल के फेंक दे। खैर, लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। यदि गाने की बात की जाए तो नो डाउट यू आर अ वेरी गुड सिंगर और हम सुन भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, पर हर किसी को ना मतलब कहते हैं ना लाइफ में कि आपको ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है पर आप उसको गा नहीं पा रहे हो, लिरिक्स नहीं आ रही या बीट नहीं आ रही। आपके साथ कोई एक ऐसा गाना है कि आपकी लाइफ से जुड़ा है जिसको लेकर आपने बहुत मेहनत की और फाइनली आपने वो अचीव किया हो? हाँ जी, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं ऐसे, बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं। और जो मेरा मानना है कि जो कलाकार है वो आगे जो बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल करके आगे पहुँचे हैं तो वो नई नई चीज़ें कुछ लेके आते हैं जी। जिसकी वजह से ही एक नया आर्टिस्ट अगर उनको फॉलो करता है तो वो भी उनको काफ़ी हद तक उनके पास उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। और मेरा मानना है कि अगर इंशाल्लाह अगर मैं भी कल को बहुत और ज़्यादा नाम कमाता हूँ और तो मैं ऐसे सॉन्ग्स लेके आऊँ जिससे सामने वाले को वो एक चुनौती लगे, चुनौतियों भरा गाना। ओके, तो मेरी नजर में एक ऐसा सॉन्ग था जिसे मेरे को लिरिक्स याद, मैं सुनना चाहूंगी। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो उसकी लिरिक्स में कम से कम 7 से 8 दिन लग गए मुझे वो लिरिक्स फाइनली मैंने याद करी तो फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीच में तुम्हारे हवाले, दूर दूर लोग भाग मिलो दूर ये वादियां, धुआं धुआं झंझर बदली चली आती है चूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये खिला तो है मैं खपा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम में हो, पलकों से झाड़ो भरा जाते हैं कितने सारे सपने, क्या कहूँ किस तरह से मैंने जोड़े हैं तोड़े हैं, क्यों मेरे साथ चले मुझे के उड़े ये क्यों, इधर उधर किधर किधर क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी ओ पीछे, तेरी यादें तेरी यादें तेरी। मतलब सच है, इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग और दर्शकों आप जानते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि इस डिफिकल्ट सॉन्ग्स को अच्छे से सुनाए और हम सुन रहे हैं लगातार क्योंकि आज हमारे साथ गौरव और उनकी टीम मौजूद है। फेस्टिवल की बात हो रही है तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं अपनी बात अपने गाने के जरिए कहना चाहेंगे। बिल्कुल, दिल दे सौदे बिच ना चल दे ना सोना ना चांदी, दिल दे सौदे बिच ना चल दे ना सोना ना चांदी, दिल दा सौदा करिए बेशक जावे जान ते जांदी, ये सौदा मजा है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी गाने में झूमने को नाचने को लोग मजबूर हो जाते हैं। तो अब हमारे कार्यक्रम में वक्त की कमी है, बस खत्म ही होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप कुछ ऐसे ही मजेदार गीत सुनाएं जिससे दर्शक जो है वो झूमने को मजबूर हो जाए। जी बिल्कुल, नचांगे सारी रात सोनियों में, नचांगे सारी रात सोनियों में, गलो थोड़ा सा प्यार सोनियों में, गलो थोड़ा सा प्यार, नचांगे सारी रात सोनियों में, नचांगे सारी रात सोनियों में, गलो थोड़ा सा प्यार सोनियों में, गलो थोड़ा सा प्यार, लोहड़ी हम
सेलिब्रेट कर रहे हैं ढोल की, हमने अलग अलग बीट सुन ली, पर चाहती हूँ गौरव आपसे कि ढोल की एक ऐसी बीट सुनाइए आप जिसे मतलब जिसको सुनने के बाद मैं स्पीचलेस हो जाऊं। सच में नहीं बोलूंगी कुछ। खैर, वक्त की कमी है, हम बस कगार पे ही हैं, पर चाहती हूँ कि एक और एक ऐसा गीत सुनाए जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहा हो। मेरे दिल के करीब एक सॉन्ग बहुत सारे हैं, मगर एक सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। पहला नशा पहला घुमा, नया प्यार है नया इंतजार, क्या कहा दिल पे करा मेरे दिल पे करा तू ही बता। पहला नशा पहला खुमा। It's so to you, seriously amazing, बहुत ही मजा आया और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। थैंक यू सो मच गौरव एंड योर टीम, आप टाइम लेके स्टूडियो में आए। जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं? फिर से एक बार आप सभी को हमारी तरफ से तहे दिल से लोहड़ी की शुभ शुभकामनाएं, पर जाते जाते मैं जरूर कुछ कहना चाहती हूँ। व्यूवर्स का भी स्वागत के साथ साथ धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने इतने अच्छे से सुना और एंजॉय किया, पर जाते जाते लोहड़ी का गीत हो जाए। लो आ गई लोहड़ी, बिल्कुल लो आ गई लोहड़ी वे, बना लो जोड़ी वे, कलाई कोई उठाओ न जावे छोड़ी वे, झूठ ना बोली वे पर ना टोली वे, तूने खाई थी कसमे एक एक जोड़ी वे, लो आ गई लोहड़ी 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 वे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो दर्शकों, आपने सुना और एंजॉय किया, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपने लोहड़ी फेस्टिवल को और अच्छे से सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, और एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। फिलहाल हमारे खास शो में इतना ही, बने रहिए R9 टीवी के साथ।